नमस्कार दोस्तों, आज हम पहले देखेंगे कैसे आप गूगल पे पर यूपीआई नंबर ऐड करें। अगर आप गूगल पे यूज करते हैं तो गूगल पे के अंदर आपका फोन नंबर ही यूपीआई नंबर के लिए असाइन कर सकते हैं। उससे पहले हमें क्यों यूपीआई नंबर ऐड करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप गूगल पे यूज करते हैं तो वहां पर आप यूपीआई आईडी जनरेट कर सकते हैं हर एक बैंक के करस्पोंडिंग। अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो दूसरा यूपीआई आईडी वहां पर आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो वहां पर भी आप अलग एक यूपीआई आईडी जनरेट करना होगा। हर एक एप्लीकेशन से जब आप पेमेंट करते हैं तो उस एप्लीकेशन का यूपीआई आईडी आपको यूज करना चाहिए। अब यूपीआई नंबर लाने से ये एडवांटेज है, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करें ये जो यूपीआई नंबर काफी होगा। हर एक एप्लीकेशन से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यही एक यूपीआई नंबर काफी है। आपको हर एक एप्लीकेशन करस्पोंडिंग यूपीआई आईडी देने की जरूरत नहीं होगा, चाहे फोन नंबर हो या कोई एक सिंबल 8-9 डिजिट, हर एक एप्लीकेशन के करस्पोंडिंग आप यूज कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई यूज करना चाहते हैं, हर एक एप्लीकेशन करस्पोंडिंग एक यूनिफॉर्म तरीके से आप पैसा सेंड करना चाहते हैं एक नंबर यूज करके, तो ये जो यूपीआई नंबर बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए देखते हैं गूगल पे के अंदर यूपीआई नंबर कैसे ऐड करें। यहाँ पर आप अपने फोन नंबर जो बैंक से लिंक्ड है वही आप अपने यूपीआई नंबर की तरह से असाइन कर सकते हैं। इसके लिए गूगल पे के अंदर प्रोफाइल के अंदर पेमेंट मेथड्स के अंदर आप अपने बैंक चुनिए। बैंक के अंदर मैनेज यूपीआई नंबर ये जो ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही आपका जो नंबर है जो बैंक से एसोसिएटेड है उससे आप यूपीआई नंबर बना सकते हैं। ठीक इसी तरह दूसरा बैंक अगर आप सेलेक्ट करते हैं गूगल पे के अंदर तो वहां पर भी मैनेज यूपीआई नंबर के अंदर सेम फोन नंबर होगा, यही फोन नंबर आप दूसरे बैंक को भी असाइन कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आप मल्टीपल बैंक के लिए असाइन कर सकते हैं एज यूपीआई नंबर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, अगर आप सेम यूपीआई नंबर सेम फोन नंबर डिफरेंट बैंक के लिए आप असाइन करते हैं एज यूपीआई नंबर तो जब पेमेंट आता है तो कौन सा बैंक को क्रेडिट होगा। कोई भी आपका फ्रेंड ये जो यूपीआई नंबर पर पैसा भेजता है तो किस अकाउंट पर जाएगा, कौन सा बैंक अकाउंट पर जाएगा, आपका कौन सा बैंक अकाउंट पर क्रेडिट होगा। दोस्तों इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जिस बैंक को आपने प्राइमरी बैंक करके सेट किया है गूगल पे के अंदर सिर्फ उसी बैंक को ही पैसा क्रेडिट होगा। जब कभी कोई और आपको ये जो यूपीआई नंबर से पैसा भेजता है तो जो प्राइमरी बैंक करके आपने सेट किया है बैंक को उसी बैंक को क्रेडिट होगा। यहाँ पर एक कंडीशन है, जो फोन नंबर आपका बैंक से अटैच्ड है उसी नंबर को ही आप यूपीआई नंबर करके सेट कर सकते हैं गूगल पे के अंदर, तो ये जो कंडीशन यहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप यूपीआई नंबर ऐड कर चुके हैं किसी भी बैंक करस्पोंडिंग तो अगर आप चाहते हैं यूपीआई नंबर आप रिमूव करना चाहते हैं उस बैंक के करस्पोंडिंग, रिमूव करने के लिए आप अपने गूगल पे के अंदर प्रोफाइल के अंदर पेमेंट मेथड्स के अंदर आप अपने बैंक चुनिए। यहाँ पर मैनेज यूपीआई नंबर के अंदर आप देख सकते हैं जो को भी यूपीआई नंबर आपने ऐड किया है यहाँ पर डिस्प्ले होता है, इसे आप ये जो डिलीट बटन प्रेस करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हर एक बैंक करस्पोंडिंग इस तरह से आप यूपीआई नंबर डिलीट कर सकते हैं। ध्यान पे रखिए, अगर आप यूपीआई नंबर ही नहीं यूज करना चाहते हैं तो जो कोई भी बैंक करस्पोंडिंग आपने यूपीआई नंबर ऐड किया है हर एक बैंक करस्पोंडिंग आप रिमूव कर दीजिए। अगर कोई भी आपको पैसा सेंड करता है तो जो बैंक करस्पोंडिंग यूपीआई नंबर सेट हुआ है अगर वो जो बैंक प्राइमरी बैंक है तो उस पर पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो चलो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो राइट कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।